अस्सलामुअलैकुम मिनाज भाई। मिनाज भाई, मेरा नाम आसिल है और मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो उस सिलसिले में मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ एक हॉस्टल में। तो शुरू का तो 1-1.5 साल जो था वो बिल्कुल अच्छा गुजरा, कुछ भी नहीं हुआ। तो 2021 के एंड की बात है, हम 4 रूममेट्स थे। तो हम लोग अक्सर बाहर से खाना मंगवाते थे, मतलब अगर हॉस्टल में दाल हलीम इस तरह का कुछ पढ़ना होता था तो हम लोग बाहर से खाना मंगवाते थे। तो उस रात हमने कढ़ाई मंगवाई और हमने खाना वगैरह खा लिया। तो वो हड्डियाँ थी वो डिस्पोज करनी थी, तो मेरा दोस्त वो फेंकने जा रहा था। तो उसको मैंने ऐसी मजाक में कहा कि मैंने बोला यार ये हड्डियाँ जिनों की खुराक होती हैं, तो इसको फेंको नहीं, इसको कहीं रख देते हैं, कोई जिन खा लेगा। तो वो दोस्त भी आगे से हंसना शुरू हो गया, उन्होंने मुझे पकड़ा दिया डब्बा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है यार जा, कहीं रख दे, कोई खा लेगा, ठीक है तेरा। तो मैंने वो पकड़ा और मैं अपने रूम का मैंने दरवाज़ा खोल के बिल्कुल रूम के साथ रख दिया। अब मैं वापस मुड़ा तो मेरे दोस्त ने मुझे कोक की खाली बोतल दी। उसने बोला यार ये भी बाहर रख दो, वो सफाई वाला आएगा तो ले जाएगा। तो ये हार्डली 5-10 सेकेंड्स हुए होंगे और मैं जब वापस मुड़ा मैंने चलो ये भी रख देता हूँ। तो वो डब्बा बिल्कुल साफ, उसमें कोई हड्डियाँ नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार इतने कम टाइम में ये सारी हड्डियाँ कहाँ गई। तो मैं जल्दी जल्दी कमरे में आया, मैंने बोला यार ये हड्डियाँ गायब हो गई हैं। तो दोस्तों ने बोला नहीं तू ऐसे मजाक कर रहा है, तू हमें डरा रहा है और तूने खुद कहीं फेंकी है, अब तू हमें डरा रहा। तो मैं फिर चुप हो गया, मैंने बोला यार चलो हाँ ठीक है, मोड़ा हूँ कोई बिल्लियाँ आ गई होंगी या, लेकिन मुझे पता था कि यार बिल्लियाँ नहीं आई हैं, मतलब यूँ चलो यार बिल्लियाँ आई होंगी, ठीक है बात आई गई होगी। खैर एक हफ्ता गुजरा, हमने दोबारा कढ़ाई मंगवा ली और उसी तरह खाना खाया और हड्डियाँ फेंकनी थी। तो मेरे दोस्त ने दोबारा मुझे हड्डियाँ दे दी। उसने बोला हाँ यार ये जिन तो तेरे पास खाना खाने आते हैं तो इनको ना दे दे। तो मेरे रूम के साथ एक बालकनी है, तो एक दोस्त ने बोला कि यार यहाँ रख दो बालकनी में, तो ना हम भी देखते हैं हमारे सामने से कैसे गायब करता है ये ना। तो मैंने भी रख दी, मैंने बोला यार मुझे पता था यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि वो जो बालकनी है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का, वहाँ बिल्ली का आना भी मुश्किल है। तो मैंने वहाँ रख दी, मैं वापस आके बैठ गया, हमने थोड़ी सी बातें की, 3-4-5 मिनट गुजरे होंगे। तो मेरे दोस्त ने बोला डब्बा चेक करते हैं। तो हमने जब वो डब्बा चेक किया तो वो बिल्कुल खाली, बिल्कुल साफ, कुछ भी नहीं उसके अंदर। तो अब थोड़े से दोस्त भी फ्रीक आउट हुए, उन्होंने बोला यार पता नहीं क्या ये कहाँ गई। खैर लड़कों का ये होता है कि कुछ भी हो जाए तो मतलब मजाक शोकल करके वो बात आई गई हो जाती है, पता नहीं लगता कि कुछ हुआ है कि नहीं। तो इस तरह बात आई गई होगी। तो कुछ दिन गुजरे और मैं रूम में अकेला था, 8 बजे थे रात के और लाइट ऑफ थी और मैं लैपटॉप पे कुछ देख रहा था, हैंड फ्री लगाए हुए थे मैंने। तो मुझे ऐसा लगा कि ना बेड के नीचे किसी ने कोई चीज़ मारी है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब बहुत ज़ोर से कोई चीज़ लगी है बेड के नीचे। तो मैंने जल्दी से अपना हैंड फ्री उतारे मैंने अपने और मैं अभी प्रोसेस कर रहा था कि यार ये हुआ क्या है। तो एक जूता जो है वो मेरे बेड के नीचे से स्लाइड होकर दूसरे बेड के नीचे गया। तो मैं तो डर गया, मैंने जल्दी जल्दी उठ के लाइटें ऑन की, आतिल कुर्सी पड़ी और मैं बैठ गया। इतने में मेरे दोस्त आ गए, तो मैंने उनको नहीं बताया, उन्होंने यार इनको मैं बताऊंगा तो ये दोबारा मजाक वगैरह उड़ाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो खैर नेक्स्ट डे भी मैं अकेला बैठा हुआ था, वही टाइम हो रहा था, रात के 8 बज रहे थे। तो दोस्त मेरे सारे खाना खाने गए हुए थे। तो मैं बैठा हुआ था अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, तो ऐसा लगा कि जो मेरा साथ वाला बेड है ना उस पर कोई बहुत भारी चीज़ आके गिरी है और उसकी आवाज़ भी आई काफ़ी ज़्यादा और मैं डर गया। तो मैं उठा अपने बेड से, मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ है। तो मैंने जल्दी जल्दी आतिल कुर्सी पड़ी क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ पे, और तो ऐसे फील हुआ जैसे ना कोई बेड से उठ के जा रहा है, मतलब एक बेड की आवाज़ होती है ना, कोई बैठता है उठता है तो आवाज़ आती है, तो ऐसा लगे जैसे कोई बेड से उठा है। फिर मैंने आतिल कुर्सी वगैरह पड़ी, मैं बैठ गया। इतने में मेरे दोस्त आके मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला यार इस तरह हुआ है कल भी और आज भी इस तरह का कुछ हुआ है। तो उन्होंने बोला नहीं यार कोई बात नहीं, इस पर सोच नहीं, वहम है ये वो, तो ऐसे इशू होगा। मैंने बोला चलो ठीक है। अब कुछ दिन गुजरे बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं हुआ। 2022 स्टार्ट हो गया, इस साल कुछ 2021 के एंड पे स्टार्ट हुआ था जो मैंने पिछला बताया ना, तो अब 2022 स्टार्ट हो गया। तब यह ना शुरू हो गया कि ना मेरा मूड ख़राब रहना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन, और मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, लोग अच्छे नहीं लगते थे। मेरा दिल करता था कि कोई मुझसे बात तक ना करे। तो वहाँ पर होता था कि मेरा भाई जो है छोटा, वो अक्सर मुझसे मिलने आता था। तो हम लोग कहीं बाहर जाते थे, होटलिंग वगैरह, हाइकिंग वगैरह, मतलब भाई घूमते फिरते थे। तो मैंने भाई को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया, ना मैं उसके साथ कहीं बाहर जाता था, ना उसके साथ कहीं बाहर जाके खाना खाता था, ना कहीं घूमने जाता था। तो भाई ने भी नोट किया, उसने बोला यार क्या इशू है ना, क्या हुआ है। तो उन्होंने यार कुछ भी नहीं, बस वैसे ही मूड थोड़ा सा ऑफ है। तो उसने भी बोला हाँ ठीक है हो जाता है, वो भी इस चीज़ के साथ नॉर्मल हो गया।
अब ये चलता रहा, मेरा मूड ख़राब ही रहा। रमज़ान आ गया, गुज़र गया, ईद गुज़र गई, बड़ी ईद आ गई और मेरा ये वाला मसला ठीक नहीं हुआ। खैर बड़ी ईद थी तो ईद का दूसरा दिन था, तो उस दिन मेरा कुछ ज़्यादा ही मूड ख़राब था। मैंने बस क्या नाम है, सुबह उठा, तैयार होकर बस मैं अकेला बैठ गया। पूरे दिन मैंने कज़न्स वगैरह बुलाते रहे, यार वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं कहीं भी नहीं गया। खैर रात को बस कज़न्स आ गए और मुझे ज़बरदस्ती ले गए अपने पास। वो बोलते हैं आ जाओ, गप्पे मारते हैं ये वो, और वहाँ पे मेरी ना कज़न से लड़ाई हो गई। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरी पूरी ज़िंदगी, कभी किसी कज़न से लड़ाई नहीं हुई, ना उसके बाद हुई। तो मेरा भाई भी परेशान हो गया, मेरे कज़न्स भी परेशान हो गए कि यार ये इस तरह करता ही नहीं है, तो मतलब हंसता खेलता रहता है, इसने लड़ाई कर ली। और वो भी लड़ाई भी इस तरह की थी कि मतलब बहुत ही, मतलब चीख चीख के मैंने गालियाँ दी थी और धक्के और पता नहीं क्या क्या। खैर ये हुआ, उसके बाद मेरी कुछ छुट्टियाँ थी वो मैंने गुजारी और मैं वापस इस्लामाबाद आ गया। अरे मैं वापस आया तो ना मेरा ये ठीक हो गया, मेरा मूड बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैंने चलो यार जो भी था गुजर गया, ठीक है। अब एक रात मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे ना आवाज़ें आना शुरू हो गई, मतलब जिस तरह जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो ना कुछ विस्पर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब मैं उठा, मैंने बोला यार ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो कोई आवाज़ नहीं। मैं वापस लेटा तो मुझे दोबारा आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैं तीन चार दफ़ा उठ के देखा, वापस लेट के देखा, तो मुझे आवाज़ें आती थी जब मैं लेटता था। तो मैंने चलो यार मेरा फ़ोन लैपटॉप बेड के साथ होता है तो इसमें से कोई आवाज़ें आ रही होंगी, मैंने वो दोनों चेक किए, दोनों ऑफ थे। तो मैंने चलो मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे कोई कॉल पे बात कर रहा होगा तो उसकी एक्को आ रही होगी या कुछ। अब ये पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, तो मैं तंग हो रहा था। तो मैं उठ के नीचे गया कि अगर कोई नीचे कॉल पर बात कर रहा है तो उसको मैं बोलता हूँ यार भाई कहीं साइड पर हो जाओ, वहाँ जाके बात कर लो। नीचे गया, कोई भी नहीं। और इस तरह तीन चार दिन होता रहा। और तो फाइनली एक दिन मैं लेटा तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैं चलो यार शुक्र आवाज़ें बंद होगी जहाँ से भी आ रही थी, तो आराम से सो जाऊँगा। तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा एक दिन गुजरा, दो तीन चार पाँच छः दिन गुजर गए, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई बिल्कुल भी। तो साथ मेरी यूनिवर्सिटी भी थी, रूटीन भी थी, तो मैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मेरी पढ़ाई भी अफेक्ट हो रही थी। चलो खैर है, फिर 7 दिन बाद मुझे ना फाइनली नींद आई। और ना 3 बजे मेरी बहुत अजीब तरीके से आँख खुली, मैं उस कभी सो के नहीं उठा, मतलब बहुत ही अजीब तरीका, जैसे किसी ने मुझे उठा के बिठा दिया बस एकदम से, मैं इस तरह उठा। तो लेकिन खैर मुझे थोड़ा आसरा हो गया, मैं यार चलो नींद आ गई है, 1.5-2 घंटे मैंने सो लिया तो काफ़ी है, तो आ गई आ जाएगी नींद। खैर नेक्स्ट भी नहीं आई, हफ्ता इस तरह गुजर गया और मेरी हालत बिल्कुल आउट हो गई, मैं बिल्कुल मतलब हालत ख़राब हो गई। तो मैंने बोला चलो यार किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ। मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे एक साइकेट्रिस्ट को रेफर कर दिया। उनके पास गया, उन्होंने बोला यार आपको एनजाइटी डिप्रेशन है उस वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी, नींद की भी दवाइयाँ दे दी। लेकिन उसका भी ये होता था कि मैं आता था सोता था, दवाइयाँ खा के, नींद की दवाई खा के सो जाता था, लेकिन 3 बजे मैं उठ जाता था उसी अजीब तरीके से। और क्या नाम है, ये इस तरह होना शुरू हो गया। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला यार ये ठीक नहीं हो रहा, मतलब रात को 3 बजे मेरी आँख खुल जाती, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। तो उन्होंने डोज डबल कर दी और मैं वापस आ गया। और उसके बाद वही हुआ, मैंने रात को दवाई खाई, मैं सोया और 3 बजे दोबारा उठ गया। उसके नेक्स्ट डे से मुझे दोबारा नींद आना बंद हो गई बिल्कुल। अब जब से ये मसला चल रहा था तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहा था, लेटर रहता था कि यार शायद नींद आ जाए, तो मेरी वो बिल्कुल जो अटेंडेंस थी वो भी बिल्कुल एच पे थी, तो मैं मज़ीद छुट्टियाँ भी नहीं कर सकता था। अब मुझे नींद नहीं आती थी रात को, और दूसरा मेरा दिल करता था कि मेरे करीब कोई इंसान ना हो। तो मैंने आज भी, आपको पता है इस्लामाबाद में मरकज़ होते हैं, तो मतलब मरकज़ भी रात को भी अक्सर रश होता है, लेकिन जो G9 मरकज़ है ना वहाँ पर कुछ भी नहीं होता रात को, सारे सारा कुछ बंद होता है और अंधेरा होता है, कोई भी नहीं होता। तो मैं रात को वहाँ चला जाता था, पूरी पूरी रात में वहाँ बैठा रहता था, अंधेरे में कुत्ते फिर रहे होते थे और मैं बैठा होता था वहाँ पर, और सुबह होने से पहले मैं आ जाता था वापस। खैर ये भी हो गया और मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, और उन्होंने बोला कि नहीं यार आपको एनजाइटी डिप्रेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आपको लेकिन सवेयर है तो मैं आपकी डोज चेंज कर देता हूँ। उन्होंने डोज़ और बढ़ा दी, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब साथ साथ और चीज़ें भी शुरू हो गई। अब इसमें यह था कि मैं जब सोता था तो थोड़ी देर के लिए जो मुझे नींद आती थी उसमें जो ख्वाब होता था वो मुझे रियल लाइफ लगती थी, और जब मैं उठता था तो मुझे लगता था मैं अब ख्वाब के अंदर ट्रैप हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता था, परेशान हो जाता था। और उसके बाद मैं मतलब तरीका ढूंढता था, मैं मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं नींद में और ख्वाब के अंदर ट्रैप हूँ, और मैं उठूँ किस तरह ख्वाब से बाहर निकलूँ, ये तो मैं यहाँ ट्रैप हो गया हूँ। तो मतलब इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। फिर दूसरा मुझे टाइम की सेंस नहीं रहती थी, और ये अक्सर होता था, मतलब मुझे टाइम का पता नहीं लगता था कि कैसे गुजर गया है और पूरा दिन क्या हुआ है, इस तरह की चीज़ें। तो एक जो बहुत ज़्यादा सवेर हुआ था वो ये था कि मैं फ्राइडे को यूनिवर्सिटी से आया,
और रात को आके मैंने अपनी मेडिसिंस खाई और मैं सो गया। अगले दिन उठा, सैटरडे था, तो मैंने नाश्ता वगैरह किया, अपनी कुछ असाइनमेंट्स थी वो की और दोस्तों से बात की, घर बात की, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस, ये वो, पूरा दिन गुजर गया मेरा। अब इन दिनों में ये भी होता था कि मुझे अज़ान बहुत बुरी लगना शुरू हो गई थी। अज़ान मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी और नमाज़ें भी मैं नहीं पढ़ रहा था। तो अज़ान का तो ये था कि अगर अज़ान शुरू होती थी ना तो मैं हैंड्स फ्री पे गाने लगा के बैठ जाता था, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह का कोई काम भी कर रहा हूँ कि अज़ान के वक्त मैं गाने लगा के बैठ जाता हूँ। अच्छा खैर, हाँ, सैटरडे का भी दिन इस तरह गुजर गया, काम काज में, गप्पों में, ये वो। रात को मैंने दोबारा दवाई खाई और मुझे नींद आ गई, मैं दोबारा सो गया, पूरी रात सोया। और संडे गुजर गया, मंडे आ गया। मंडे को मैं उठा, मुझे नींद आई बड़ी अच्छी, मैं बड़ा खुश था, मैं चलो यार नींद ठीक होगी मेरी एटलीस्ट। मैं यूनिवर्सिटी गया और वापस आया और मैं दोबारा अपनी मेडिसिन लेके सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे रूममेट सारे सो रहे हैं, मेरा क्लास फेलो जो मेरे साथ रहता है वो भी सो रहा है। तो मैंने बोले यार आज तो ट्यूसडे है, हमारी क्लास थी सुबह 8:30 बजे और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनमें से कोई उठा ही नहीं है अभी तक। तो मैंने अपना जल्दी जल्दी फ़ोन उठाया तो इट वॉज़ सैटरडे, इट वॉज़ सपोज टू बी ट्यूसडे, ट्यूसडे होना था लेकिन सैटरडे था। मैंने बोला चलो यार मेरे फ़ोन का ना कोई डेट एंड टाइम का इशू हो गया तो खैर है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई थी कि बाकी सारे क्यों सो रहे हैं। फिर मैंने गूगल पे डेट चेक की तो वो सैटरडे। अब मैं इधर उधर से चेक कर रहा हूँ, मैंने दोस्तों के जो सो रहे थे उनके फ़ोन उठा के डेट चेक की तो वहाँ पे भी सैटरडे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं 3 दिन पीछे कैसे हूँ। मुझे क्योंकि एक एक डिटेल याद थी, मैंने किससे क्या बात की है, क्या खाया है उन दिनों में, और जो मेरी असाइनमेंट्स थी मैंने वो की हैं, किस तरह की हैं, मुझे एक एक डिटेल याद थी, लेकिन मैं 3 दिन पीछे था। तो मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे कॉल लॉग्स चेक किए, मैंने किसी को ना कोई कॉल की हुई है, ना मैंने किसी को कोई मैसेज किया हुआ है 3 दिन में जो मैंने किए थे। और जो मैंने अपनी असाइनमेंट्स के फोल्डर्स चेक किए ऑनलाइन तो वो सारे पेंडिंग, मैंने उनमें से कोई काम नहीं किया हुआ। तो इस तरह मेरे साथ अक्सर होना शुरू हो गया। उसके बाद ये होना शुरू हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी, सही तरह चल भी नहीं सकता था और मतलब बात करने में भी मुझे मुश्किल होती थी। तो मुझे बहुत सोच समझ के और वर्ड्स कंपाइल करके दिमाग के अंदर फिर मैं बात करता था। तो और मेरी सारी सेंसेशंस भी चली गई थी, ना मुझे किसी चीज़ पर गुस्सा आता था, ना मुझे कोई चीज़ फ़नी लगती थी, ना मुझे हंसी आती थी, और ना मुझे अपनी कोई स्किन फील होती थी, बिल्कुल मतलब पता नहीं क्या हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपना डॉक्टर चेंज करता हूँ। मैंने अपना साइकेट्रिस्ट चेंज किया और वो साइकेट्रिस्ट भी सर पकड़ के बैठ गया, उसमें बोला भाई आप जिन दवाइयों पर ऑलरेडी हो ना तो उससे ये पॉसिबल नहीं है कि आप सोएं ना। तो मैंने बोला नहीं मुझे नींद नहीं आती, मैं 1.5 घंटा सोता हूँ उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। तो खैर उन्होंने कुछ मेडिकेशंस जो थी मेरी वो चेंज कर दी और मैं वापस आ गया। लेकिन उसमें भी यही होता था, मैं सोता भी था, पहले तो नींद नहीं आती थी लेकिन अगर सोता भी था तो मेरी 3 बजे एग्जैक्ट उसी अजीब तरीके से आँख खुल जाती थी। तो मैंने सोचा एक दिन बैठ के, मैंने बोला मैं नमाज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। अब मैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश की तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि पढ़ना क्या। अल्लाह अकबर के बाद मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ब्लैंक, और मुझे इतना जोर लगा रहा था कि यार क्या पढ़ना होता है नमाज़ में, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। खैर मैंने नमाज़ तोड़ दी, मैंने देखा क्या पढ़ना है, मुझे थोड़ा याद आया, मैं चलो ठीक है। उसके बाद मुझे डर लग रहा था रुकू में जाने से, क्योंकि मैं रुकू में जाऊँगा तो मैं बहुत ज़ोर से गिरूँगा, और अगर सर से उठूँगा तो पीछे की तरफ बहुत ज़ोर से गिरूँगा मुझे। और वो इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैंने नमाज ही मैंने बोला नहीं नहीं पढ़नी नमाज़। तो ये हो गया। दूसरा, मुझे भूख नहीं लगती थी, मतलब भूख लगी होती थी, मैं खाने को देखता था और मेरी भूख बिल्कुल उड़ जाती थी। लेकिन मतलब ज़ाहिर बात है मैं कोशिश करता था कि चलो कुछ तो खा लूँ, मतलब 1-2 दिन में मैं सिर्फ आधी रोटी, वो भी बड़ी मुश्किल से, और अगर मैं मतलब खाने की ट्राई भी करता था मुझे चक्कर आना शुरू रहते थे। और ये होता था कि मैं बैठे बैठे ना बिल्कुल जोन आउट हो जाता था, ब्लैंक हो जाता था, बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता था, और थोड़ी देर बाद मैं अपनी सेंसेस में आता था कि फिर मैं सोचता था यार ये क्या हो रहा है। ऐसा होना शुरू हुआ तो मेरे फाइनल्स ऐसा ऐसा करीब आ रहे थे और मैं चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था, मैंने घर भी इतना नहीं बताया हुआ था। तो मैंने बोला चलो किस तरह मेरे फाइनल्स हो जाएं और ना मैं फाइनल्स दे के मैं किस तरह घर चला जाऊँ। और लेकिन अब अरसा हो गया था, मतलब 1.5-2 महीने हो गए थे और मेरी यही हालत थी और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। मेरा तकरीबन 12 kgs मेरा वेट लॉस हो गया था। सॉरी। तो ना मेरे से पढ़ाई में मुझे कुछ समझ आता था, अगर मैं थोड़ा सा भी फोकस करने की भी कोशिश करता था ना किसी चीज़ पे तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते थे और मैं बिल्कुल जोन आउट कर जाता था और थोड़ी देर बाद अपनी सेंसेस में वापस आता था। तो बस बिल्कुल मेरी जो बर्दाश्त की लिमिट थी वो क्रॉस हो गई। मैंने घर बताया, मैंने बुलाया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो मेरे से ना फाइनल्स नहीं हो सकेंगे, तो मैं अपना सेमेस्टर फ्रीज करा के घर आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ।
अब उसका पूरा प्रोसीजर होता है, तो मैं अपना वो प्रोसीजर यूनिवर्सिटी में कर रहा था, फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहा था, तो वहाँ एक सर हैं, दीनदार टाइप से हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आप इधर आओ, ज़रा आप यहाँ बैठो, आपको आप अपना सेमेस्टर क्यों फ्रीज़ करवा रहे हो? मैं, सर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो उससे मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन आपके साथ कोई इशू आप अपना ना रूहानी इलाज कराएं। मैंने बोला चलें ठीक है। अब मैंने सारा कुछ अपना वो प्रोसीजर किया और मैं वापस अपने घर आ गया। अब रास्ते में मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, जो मैं थोड़ा बहुत बोल सकता था ना वो भी बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं घर आया तो घर वालों को मैंने बताया कि मतलब किसी ने मुझे कहा कि रूहानी इशू भी हो सकता है, तो वो मुझे कहीं ले गए और वहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था। जैसे मेरी टर्न आई तो मेरा बिल्कुल हार्ट रेट इतना ज़्यादा हो गया और मेरा चक्कर आना शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू होगी। तो खैर उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने बोला हाँ इसके साथ कोई इशू है, उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया, उन्होंने कहा वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसके साथ कोई इशू है और वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा एक हफ़्ते में, आप लोग परेशान ना हो। खैर मेरी हालत बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली हर तरह से ख़राब थी, तो मेरे घर वाले मुझे कराची भी ले गए उसके बाद, और वहाँ भी मेरे सारे मेडिकल टेस्ट हुए और कुछ भी नहीं आया और मैं वापस आ गया। तो खैर जिनसे मैंने इलाज कराना शुरू किया था उन्होंने मुझे पानी दिया दम वाला और कुछ तवीज़ दी, उन्होंने कहा आपने पानी में डाल के पीने हैं, तो वो मैंने डाल के पानी में वो मैंने पिए और मैं रात को सो गया, मुझे नींद आ गई। अब ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़की है और उसने आके ना मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे इतनी अजीब अजीब जगहों पर लेके जा रही है, वहाँ पर मतलब जितनी कोई बेहाई आप इमेजिन कर सकते हैं ना वो चीज़ें हो रही हैं और मुझे वहाँ वो लेके फिर रही है। तो उसके बाद मैं देखे कि लोगों का लश्कर आ रहा है मेरी तरफ और मुझे मारने आ रहा है, तो वो लड़की मुझे कहती है कि तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मतलब ये क्या कर रहे हो तुम ना, जो भी कर रहे हो इसके पास जा रहे हो उसके पास जा रहे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, देखना मैं तुम्हें इन लोगों से बचाऊँगी, और मैंने तुम्हें बताना कि ना मैं एक जिन्नी हूँ। और ये उसने मुझे कहा और उसने मुझे पकड़ा और उसने अपने उसके पर निकला और वो इतने गंदे गलीस से पर थे कि मेरा इतना दिल ख़राब हुआ, तो उसने मुझे पकड़ा और वो इतने प्रेशर से ऊपर की तरफ उड़ी कि ना मैं छलांग मार के बेड से उठा, और मैं उठा और मैंने बोला यार पता नहीं क्या, चलो ख्वाब था, मैं चलो टाइम देखते हैं, अगर टाइम है तो सो जाता हूँ ना उठ जाता हूँ। तो मैंने टाइम देखा, रात के वही एग्जैक्टली 3 बजे थे। अच्छा तो अब और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई, मतलब मुझे मतलब ट्रांसपेरेंट फिगर्स नज़र आना शुरू हो गई और मतलब अजीबोगरीब ख्वाब आना शुरू हो गए, मैं बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गया, और इवन वॉशरूम में भी मैं जब जाता था कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा है, कोई दरवाजे बजा रहा है, कोई दरवाजे पे नाखून मार रहा है, मतलब कुछ चीज़ रगड़ रहा है दरवाजे पे, तो मैं बाहर आता था, मुझे लगता था चलो मेरी बहन तंग करती होगी, मतलब होते हैं ना बहन भाई एक दूसरे को तंग करते हैं, तो मैं आके उसको बोलता था तो घर वाले बोलते थे नहीं ये तो यहीं बैठी थी, तुम पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है तुम्हारे वहम है, बैठ जाओ कुछ नहीं होता ये वो, लेकिन वो होता था। और इससे होता था कि बैठे बैठे मेरे ऊपर ना खून के छींटे आते थे, मतलब मैं बैठा होता हूँ जिस तरह नहीं था किसी के हाथ गिले हो तो आपको जैसे उंगलियाँ करे तो वो छींटा सा आता है, तो उस तरह आया तो मैंने देखा वो सारा खून था, मैं जल्दी जल्दी जाके धोया, मैं थोड़ा पैनिक भी हुआ, लेकिन खैर मैं उनके पास दोबारा गया जिनसे मैं इलाज करवा रहा था, तो उनको मैंने बताया, उन्होंने बोला नहीं बेटा फिक्र नहीं करें ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, कि जो भी चीज़ है ना उसको बस अब जाना पड़ रहा है, तो वो अपना आखिरी जोर दिखा रही है, उन्होंने इस मुझे थोड़ा सा टैकल किया। खैर कुछ दिन बाद मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई, बोलना ठीक हो गया, चलना ठीक हो गया, और मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया, तो मैं अपने कज़न्स के घर चला गया रहने के लिए। अब वहाँ पे मैं उनसे बातें कर रहा था, रात के 3 बज के लाइट चली गई, तो मैंने बोला यार काफ़ी टाइम हो गया है सो जाते हैं, तो हम सोने के लिए लेटे तो मेरी नज़र ऊपर पड़ी तो पंखे के ऊपर कोई परिंदा सा बैठा हुआ था काले रंग का, तो मैंने बोला यार ओए तुम लोगों के ना ये कमरे के अंदर कोई चीज़ आ गई, इसको बाहर निकालो, कोई परिंदा आया हुआ है ना अंदर। उन्होंने जल्दी टॉर्च वगैरह ऑन की और देखा तो कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने टॉर्च ऑफ कर दी और मुझे दोबारा वो चीज़ नज़र आई, तो उन्होंने नियर है ये दोबारा आके पंखे पे बैठ गई है कहीं साइड पे होगी होगी, टॉर्च ऑन करो। उन्होंने ऑन की फिर कुछ भी नहीं था, उन्होंने कमरा देखा, उन्होंने बोला यार तू सिर्फ देख नहीं, तू बस ना कोशिश कर तू सो जा। मैं ठीक है, अब मैं सिर्फ देखना नहीं चाह रहा था, लेकिन होता है ना पेरिफेरल विजन होती है, आपको साइड का थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, बेशक आप सिर्फ देख भी ना रहे हो, तो मुझे वो चीज़ बड़ी होती हुई नज़र आई, तो मैंने उसके देखा तो वो ना बड़ी हो गई और वो दीवारों पे भाग रही है, और इसमें मैं देखा कि ना दीवार के अंदर से 2 साए हैं, एग्जैक्टली साए नहीं कह सकते, मतलब आप कह लें काला धुआं जो होता है उस तरह के मटेरियल के वो बने हुए हैं और उनकी कोई फिगर्स ही है, और वो कमरे के अंदर आए हैं। तो मैं बिल्कुल मैंने शोर डाला, मैंने बोला लाइटें ऑन करो भाई, सूर्य बकरा लगाओ, ये करो वो करो, खैर वो सारा कुछ किया, उसके बाद मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं लेट गया, मैं सो गया।
अब मैं सोया तो मुझे ख्वाब आया कि मैं किसी कब्रिस्तान में हूँ, और मैं ना कब्रों के ऊपर से टाप टाप के कहीं जा रहा हूँ, तो आगे से एक बंदा भागता हुआ आ रहा है कब्रों के ऊपर से ही, और वो मुझे कह रहा है कि भागो। और जब मैंने सब देखा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिन्नात थे मेरे, मतलब ख्वाब में जिन्नात थे जो मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। और मैं वहाँ से भागा और मैं कब्रिस्तान से बाहर आया तो मैंने देखा कि आबादी है और वहाँ पे लोग हैं, और ना हवा में कुछ चीज़ें उड़ रही हैं खौफनाक से, और वो ना अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें निकाल रही हैं, और वो ना जिसके ऊपर से गुजरती है ना, जिस इंसान के ऊपर से गुजरती हैं उसका सर खाती जा रही हैं। तो मैं भागा अपने ख्वाब में पेरेंट्स की तरफ भागा कि मेरे पेरेंट्स ठीक हैं। तो मैं वहाँ गया एक जगह पे, वहाँ मेरे पेरेंट्स लेटे हुए थे और वो दर्द से चीख रहे थे, और मैं देखा वहाँ पे चार चुड़ैलें बैठी हुई हैं जो उनके टांगों का और बाजुओं का गोश्त खा रही हैं। अब वो किस तरह की थी, उनका लंबी लंबी थी, बिल्कुल पतली सी थी, और उनकी आंखें नहीं थी, और गंदे मतलब काले ब्राउन और रेड से उनके खून वाले दांत थे, लंबे लंबे छोटे छोटे उनके बाल थे, और उनके टांगे नज़र नहीं आ रही थी, और उनके जो बाजू थे वो इस तरह के थे जिस तरह कोई बिल्कुल ड्राई शाख नहीं होती दरख्त की, उस तरह के उनके बाजू थे। तो ये मैंने देखा और मैं डर गया और मैं भागा, और मैं एक जगह जाके बैठ के रोना शुरू हो गया। और उसके बाद वो चार चुड़ैलें मेरे पास आईं, उन्होंने कहा कि तुम हमसे ना छुप नहीं सकते हो, तो तुम क्यों कोशिश कर रहे हो छुपने की, तो अगर छुप सकते हो तो छुप के दिखा दो। और उसके बाद वो चली गई और मेरी आँख खुल गई, और मैं काफ़ी डरा हुआ था जब मैं उठा। तो खैर मैं उनके पास दोबारा गया जिनसे इलाज करा रहा हूँ, उनको मैंने बताया, वो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है ये है वो है, मतलब ऊपर मैं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बेटा, बस कुछ नहीं होता, हो जाएगा ठीक, इसमें चलता रहा। लेकिन काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें शुरू हो गई और आवाज़ें आती थी, और मुझे लगता था कोई आया है, कोई गुजरा है, किसी ने मुझे बुलाया है। तो और ये जो रात को 3 बजे वाला उठने वाला जो सीन था वो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन होता था, पहले होता था कि मैं उठ जाता था, लेकिन अब ये होना शुरू हो गया था कि मैं किसी वजह से उठता था। मतलब सपोज़ एक रात मैं सो रहा था, तो मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है ना, बारिश हो रही हो उसकी आवाज़ और बादल गरज रहे हों तो उसकी आवाज़, तो एक रात बहुत ज़ोर से बादल गरजे और मैं उठ गया, तो मैंने देख सुना कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं उठ के बैठ गया। मैं चलो थोड़े अब मतलब ना सुनते हैं बारिश की आवाज़ को, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अब मैं बैठ गया और थोड़ी देर बाद ना बारिश रुक गई, मैंने चलो बाहर जाते हैं देखते हैं कैसा मौसम है। तो मैं बाहर गया तो आसमान बिल्कुल साफ़, ना पानी का एक कतरा ना कुछ, और मैं जल्दी से भाग के वापस अंदर आया, और मैंने आके टाइम देखा तो वही 3 बज रहे थे। फिर अब मतलब रात को मैं डरता भी था, तो जाहिर बात इस तरह के ख्वाब आते थे तो मैं डर के उठता था। तो मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरे साथ सोना शुरू कर दिया मेरे रूम में, तो घर में होता था कि मेरी मदर जो है मुझे सुबह नमाज़ के लिए उठाने आती हैं, तो वो आके उठाती हैं, तो कभी कभी मैं वापस हो जाता हूँ, फिर मेरी बहन उठाने आती है। तो उस रात मेरी बहन मुझे उठाने आई और उसने बोला कि यहाँ से उठ जाओ, मैं ठीक है मैं उठ रहा हूँ। मैं फिर बैठ गया, मैं चलो थोड़ी सुस्ती दूर हो तो मैं बाहर जाता हूँ नमाज़ पढ़ता हूँ वज़ू करता हूँ। तो मेरी बहन दोबारा वापस आई और ना उसने मुझे थोड़ा गुस्से से बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, बाहर आओ। मैंने बोला अच्छा आ रहा हूँ, तो उसने मेरे ऊपर चीखना शुरू कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे फादर सो रहे हैं और ये मतलब सुबह सुबह बदतमीज़ी कर रही है, इतना चीख चीख के और बदतमीज़ी से बात कर रही है, तो फादर उठ जाएंगे, लेकिन फादर नहीं उठ रहे और वो चीखी जा रही है मेरे ऊपर और मुझे बोलती है कि बाहर आओ मामा बुला रही हैं। मैं परेशान है यार इसको क्या हो गया। खैर मैं चलो मैं बाहर जाता हूँ। अब वो बाहर गई दरवाज़ा बंद करके और मुझे बाहर से अपनी मदर की और मेरी बहन की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठा, मैं दरवाज़ा खोला, मेरे रूम के साथ बिल्कुल ना टीवी लाउंज, तो टीवी लाउंज की लाइट्स ऑफ, ना मेरी मदर है वहाँ पे ना मेरी बहन है। तो मैं अपनी बहन के रूम में गया, वो भी सो रही है, मेरी मदर भी सो रही हैं अपने रूम में। तो मैं वापस आया, मुझे समझ नहीं आई, मैंने बोला यार चलो बीच में शायद मैं सो गया हूँ, दोबारा उठाऊँ अभी, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मैंने आके टाइम देखा तो वही रात के 3 बज रहे थे। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होना शुरू हो गई। खैर मेरी जो छुट्टियाँ थीं वो मैं गुजार के वापस आ गया इस्लामाबाद। अब यहाँ पे भी यही होता था कि मेरे पर खून के छींटे आ जाते थे कभी कभी। अब लोग ये कहते हैं अक्सर कि यार ये जब खून के छींटे आते हैं तो ये काला जादू जादू होता है, ये होता है वो होता है। तो लेकिन जो जिनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था तो वो कह रहे थे नहीं काला जादू नहीं है, कोई चीज़ खुद से किसी वजह से आ गई है, उन्होंने मुझे वजह भी नहीं बताई। अब मेरे जहन में जो थी वो तो मुझे जो क्लिक कर रहा था मेरे दिमाग में वही था हड्डियों वाली बात, कि यार वो वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद से ही सारा कुछ स्टार्ट हुआ था। तो वो कह रहे थे कि वो वजह मैं नहीं बताऊंगा और ना उस चीज़ का बताऊंगा क्या है, कौन है, क्यों आई है, कहाँ से आई है, लेकिन है। अच्छा खैर मैं इस्लामाबाद वापस आ गया। अब वहाँ पे भी मतलब मेरी नींद काफ़ी बेहतर हो गई थी और कुछ चीज़ें भी ठीक हो गई थी, ख्वाब आना सुना के उल्टे सीधे बंद हो गए थे, और क्या नाम है
अच्छा एक और बात थी कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जिनसे मैं इलाज कर रहा था वो मुझे मैं चाह रहा था, मैं हालांकि तवीज़ वगैरह इन चीज़ों पे मतलब ना मेरा बिलीफ नहीं है, लेकिन मेरी हालत इस तरह की थी ना कि मैंने उनको खुद बोला कि यार मुझे कोई तवीज़ दे दें, मेरी जान छूट जाए। तो बोला नहीं आप फ़िलहाल नहीं दूंगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दें, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। तो फिर उसके बाद हमारे मोहल्ले के एक इमाम साहब है उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे एक तवीज़ दी, उन्होंने बेटा चलो आप एटलीस्ट इससे गुजारा करो, आप डरोगे नहीं रात को। तो वो एक रात में पहन के सोया हुआ था, उसको मैंने गले में बांधा हुआ था, उसकी गिरह थी इस तरह कि वो उतर नहीं सकता था, उसकी गिरह खोलनी पड़ती थी फिर उतरता था। मैं सो गया, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि कोई मखलूक है बहुत अजीब व गरीब सी, उसने ना लोगों को लाइन में खड़ा किया हुआ है और उनसे पूछता जा रहा है तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, और जो कहते हैं मैं मुसलमान हूँ उसको ना लिटा के उसके पास एक बेलचा सा है वो गर्दन पर इतनी ज़ोर से मारता है कि गर्दन अलग हो जाती है, लेकिन इंसान ज़िंदा रहता है, मतलब नीचे वाली बॉडी तो कुछ भी नहीं करती लेकिन जो हेड है वो ज़िंदा रहता है और वो खौफनाक आवाज़ें निकालता है बस। फिर मैंने दूसरी साइड देखा, वहाँ पे औरतों के सर पड़े हुए थे पत्नी हज़ारों की तादाद में और वो सारी खौफनाक आवाज़ें निकाल रहे थे। तो इतने में वो वाली मखलूक मेरे पास आई और उसने मेरे से जो कारी साहब ने मुझे तवीज़ दिया हुआ था वो ख्वाब में मेरे से छीन लिया, उसने जो छीना है मेरी आँख खुली और मेरे ऊपर से रज़ाई हटी हुई थी और मुझे पसीना आया हुआ था, हालांकि क्वेटा का जो टेम्परेचर होता है सर्दियों में -14-15 तक जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन मेरे ऊपर रज़ाई भी नहीं थी और मुझे पसीना आया हुआ था। तो मैंने चलो यार मैंने खुद नींद में इधर उधर कर दिया होगा, ये तो चलो ख्वाब था। तो मैं जब अपनी रज़ाई ठीक कर रहा था तो मेरे हाथ में कुछ चीज़ आई, मैं देखा वो मेरा वही तवीज़ था जो मुझे कारी साहब ने दिया हुआ था और उसकी गिरा लगी हुई थी, हालांकि वो गिरा खुले बगैर उतर नहीं सकता। अच्छा खैर ये था, खैर मैं इस्लामाबाद वापस आ गया था तो यहाँ पे भी अजीब चीज़ें हो रही थी, मतलब मुझे लगता था मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है कोई अंदर आया है, तो मैं अपने रूममेट को बोलता था कौन आके अभी झांक के गया, बोलता यार दरवाज़ा ही नहीं खुला, हालांकि मुझे आवाज़ भी आती थी और प्रॉपर मुझे कुछ लगता था कि कोई अंदर आया है, मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कोई आता है बंदा कभी कभी ध्यान नहीं देता कि जो भी आया आके खुद ही बात कर लेगा। तो मुझे इस तरह की बातें लगती थी और मेरी चीज़ें गुम हो जाती थी, चाबी पेन मतलब मेरे हाथ में होता था और मैं मेरा कहीं ध्यान इधर उधर होता था वो चीज़ गायब हो जाती थी, उसके बाद नहीं मिलती थी। इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई काफ़ी। और एक और चीज़ मैंने नोट की थी वो ये था कि जिनसे मैं इलाज कराता था ना तो उनके पास मैं जब जाता था तो वहाँ पे उन्होंने कोई अगरबत्तियाँ जलाई होती थी जिसकी एक स्पेसिफिक ना खुशबू थी, तो वो मुझे इस्लामाबाद में आती होती थी, हर जगह मुझे अपने पास महसूस होती थी, वो खुशबू आती रहती थी मुझे रेगुलर। तो खैर मैं यूनिवर्सिटी में एक दिन फिर रहा था तो मुझे वही जो सर थे जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा कहा था कि बेटा आप अपना रूहानी इलाज करवाएं वो मुझे मिले। तो उन्होंने बोला बेटा आपकी तबीयत कैसी है, मैंने बोला जी ठीक है। तो उन्होंने बोला उन्होंने आपको कोई तवीज़ दिया है, मैंने बोला जी उन्होंने तवीज़ दिया है। तो उन्होंने बोला दिखाएं मुझे, तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बोला आपको पता है उन्होंने अपना एक मोकल या कोई जिन ना आपके साथ रखा हुआ है जो आपके साथ रहता है। तो फिर मेरा थोड़ा सा ना क्लिक हुआ, मैंने यार ये जो उनकी खुशबू वहाँ पर थी वो मुझे इसलिए यहाँ शायद आती रहती है क्योंकि उनका कोई मोकल है जो मेरे साथ है तो उस वो खुशबू आती है। खैर तवीज़ों के हक में तो मैं थोड़ा था नहीं पहले से ही, तो मैंने बोला यार एक तो मैं तवीज़ पहन रहा हूँ ठीक है, मतलब अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, एक तो मैं तवीज़ पहन रहा हूँ और दूसरी हिफाजत मैंने ली हुई है जिन की, अगर जिन है कोई मौकल है तो मैंने उसकी हिफाजत ली हुई है। तो खैर वो मैंने तवीज़ उतार के रख दिया, उसको मैंने ज़ाया कर दिया और जिस दिन मैंने उसको ज़ाया किया उसके बाद से मुझे वाली खुशबू आना बंद हो गई, और दूसरा ये कि जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी वो अक्सर होती रहती थी तो वो भी ऐसे ऐसा कम होना शुरू हो गई वो तवीज़ उतारने के बाद, हालांकि वो इलाज वाला तवीज़ था जो भी था। तो खैर ये अब 2021 के एंड में स्टार्ट हुआ था सारा कुछ और इसको ख़त्म होते होते 2023 के स्टार्ट में तकरीबन ये सारी चीज़ें मेरी थोड़ी नॉर्मल हुई हैं, मेरी नींद ठीक हुई है और भी काफ़ी छोटी चीज़ें हैं जो होती रहती थी वो मैंने अभी मेंशन नहीं की क्योंकि ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो हो गई होगी। तो बस मैं ये स्टोरी थी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, तो थैंक यू मिनाज भाई।